डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम और फिर कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन, ये सब सीखेंगे। इसका यूज फिजिक्स में क्या होगा वो जानेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको चेन रूल सिखाया था, उस चेन रूल को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे टर्म आ जाए एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें दो वेरिएबल है, क्वेश्चन में दे दिया आपको फाइंड डी वाई बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो दो वेरिएबल हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था डी वाई बाई डी टी। कंफ्यूजन होगा तो उसका एक रेमेडी है। हमने आपको क्या कहा था, पहले तो ये कोफिशिएंट को आप लिख लें। अब यहां पर एक फंक्शन हमारा साइन है और दूसरा फंक्शन इसका एंगल ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सिंपली आप साइन को कॉस में ब्रेक कर दें, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस। तो फर्स्ट फंक्शन कर लिया आपने, सेकेंड फंक्शन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, रफ में लिख रहे हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये है, ब्रैकेट यूज करें, के एक्स में कोई टी नहीं है इसलिए इसका जीरो। इसमें वेरिएबल सिर्फ ओमेगा है, तो जो भी वेरिएबल है मतलब टी है और टी ओमेगा, इस फंक्शन में टी वेरिएबल है, ओमेगा उसका कोफिशिएंट है। तो यहां पे आपको टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो उसके कोफिशिएंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे टी वन। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सपोज डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर वैसे ही साइन का कॉस हो गया, सेकेंड फंक्शन में फिर रफ में यहां पर नोट डाउन कर ले, इसमें कोई एक्स नहीं है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जीरो। अब यहां पर एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली ये है, तो माइनस के एक्स का वन। तो इट इज माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन 4 ओमेगा टी माइनस के दे x दे। अब क्वेश्चन में कहता सपोज फाइंड डी वाई बाई डी टी। हमने क्या कहा, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकेंड फंक्शन ये, तो साइन का कॉस हो गया। और फिर हमारे पास सेकेंड फंक्शन है ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमने आपको सिखाया टी का कोफिशिएंट सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो टी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक इस तरह का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा। अब इस डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं ये भी सीखेंगे। हम लोगों ने फिजिक्स में जो फॉर्मूला सीखा, वेलोसिटी को लिखते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को यूज करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दे, सपोज क्वेश्चन नंबर वन, इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, ये पोजीशन जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है, देन फाइंड वेलोसिटी एंड
एक्सलेशन एट टी इज इक्वल टू वन सेकेंड. तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. डिफ्रेंसिएशन हमने सिखा दिया आपको. अब यहां पर t स्क्वायर रिपीट कर दे रहे हैं, प्रीवियस क्लास में सिखा रखा अलजेब्रिक फंक्शन का n x n माइनस वन. तो t स्क्वायर है, लिख लीजिए, रिपीट हो जाएगा स्क्वायर. तो टू टी टू माइनस वन टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन टू टी, फोर कोफिशियंट टी का वन, वेलोसिटी मिल गया. तो पहले इसको हम लोग लिख ले टू टी प्लस फोर, ये वी का वैल्यू मिला, लेकिन हमें वी चाहिए एट वन सेकेंड. तो वेलोसिटी एट वन सेकेंड, टी का वैल्यू वन डाल दे, तो टू प्लस फोर सिक्स मीटर पर सेकेंड आ गया. अगेन एक्सलेशन पूछा, इट इज डीवी बाई डी टी, तो v का वैल्यू डाल दो 2t प्लस फोर. टी का डिफ्रेंसिएशन होगा, t इस टर्म में, इसमें नहीं है, तो ये 2 हो गया, t का 1 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0, एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट यूज, जिसको हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं. सबसे ज्यादा इसी को हम लोग यूज करते हैं. स्टेप वन, सबसे पहले कोई भी फंक्शन, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, हमने प्रीवियस क्लास में सिखाया था, y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है. स्टेप वन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे. स्टेप टू, सेकेंड स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. थर्ड स्टेप, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन करेंगे और इस एक्स का वैल्यू डालेंगे. ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, या ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट किया और नेगेटिव आ जाए. जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा. अब प्रॉब्लम में इसको यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, इफ y इज इक्वल टू x प्लस वन बाई एक्स, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है. स्टेप वन, हमने आपको लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन बाई एक्स, ऑब्वियसली एक्स टू द पावर माइनस वन, तो एन एक्स एन माइनस वन, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. स्टेप वन क्लियर है. सेकेंड स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स जीरो, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इट इज प्लस माइनस वन, मिल गया हमें. अब ये डी वाई बाई डी एक्स का ये वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का जीरो, वन बाई एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली एक्स टू द पावर माइनस टू,
एन एक्स एन माइनस वन माइनस टू बाई एक्स क्यूब, तो ये माइनस टू बाई एक्स क्यूब, इट इज टू बाई एक्स क्यूब। अब यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव उन्होंने फाइंड कर लिया, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स का वैल्यू वन डाल दिया तो टू बाई वन, टू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, तो इट इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन। दूसरा वैल्यू भी डाला आपने तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू माइनस वन, टू बाई माइनस वन लेस देन जीरो मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर देन फाइंड मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टेप वन वेरिएबल टाइम है तो डी एच बाई डी टी, यू टी का वैल्यू वन, हाफ जी टी स्क्वायर टू टी, स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू, यू माइनस हाफ जी इंटू टू टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम बिकम्स यू बाई जी। इस टाइम पर ये क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी। अब यहां पर हाइट हमको मैक्सिमम फाइंड करना है h मैक्सिमम, तो u टाइम पीरियड u बाई जी माइनस हाफ जी टी यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, इट इज यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी, इट बिकम्स यू स्क्वायर बाई टू जी। और यही आप लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी पढ़े, इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा को यूज किया। अब उसके बाद हमारा कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन में रिजल्ट मिला है उसका इनवर्स निकालना। दो तरह का इंटीग्रेशन यूज करते हैं, सिंबल हमारा ये होता है, एक को हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं, दूसरे को डेफिनिट कहते हैं। अब इनडेफिनिट के लिए सिंपली हम लोग किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विदाउट लिमिट। डेफिनिट में इंटीग्रेट करते हैं विद लिमिट ए बी, ये वैल्यू जो लोअर वैल्यू है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, अपर वैल्यू को अपर लिमिट कहते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन सपोज एफ एक्स आया तो विदाउट लिमिट है इसलिए इसमें सी यूज करेंगे और इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब यहां पे जो वैल्यू आएगा सपोज एफ एक्स, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर वैल्यू लोअर सबस्क्रिप्ट पर और अपर वैल्यू ऊपर लिखेंगे। एक्स वेरिएबल है, एक्स में अपर वैल्यू डाल देंगे, माइनस फिर लोअर वैल्यू डालेंगे। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब जो भी डिफरेंशिएशन आपने सीखा है उसको हम लोग यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, और उसको हम लोग लिखते जाएंगे रिजल्ट, और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। हम लोगों ने सीखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा था कॉस एक्स, इनवर्स प्रोसेस हमने कहा, तो कॉस एक्स का साइन एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरह से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स सीखा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से टैन एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, इसका टैन एक्स हो गया प्लस सी। अब तो आप समझ गए होंगे कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, सेकेंड एक्स सेकेंड एक्स टैन एक्स, सेकेंड एक्स टैन एक्स सेकेंड एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन में भी सेम रिजल्ट, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स लॉग एक्स प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट अलजेब्रिक फंक्शन ऊपर लिख रहे हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शन का एक्स टू द पावर एन का हम लोगों ने एन एक्स एन माइनस वन, यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन नॉट इक्वल टू माइनस वन। इस चीज को हम लोग दिमाग में रखेंगे, एन माइनस वन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, अब इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम में। सिंपल क्वेश्चन, सपोज वाई दे रखा है, या डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन सिंपल से ही यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स, कोफिशियंट को बाहर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स डीएक्स सी डीएक्स। फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन है, क्या लिखा एन प्लस वन, तो एन प्लस वन
डिवाइड बाय एन प्लस वन, यहां भी एक्स का पावर वन, वन प्लस वन, या एक्स का पावर जीरो, तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के यूज कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए बाय थ्री एक्स क्यूब, बी बाई टू एक्स स्क्वायर, सी एक्स का पावर वन है तो ये एक्स हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन सपोज रूट एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, तो एक्स के पावर को सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, एक्स का पावर हाफ माइनस थ्री बाई टू डी एक्स, एक्स वन माइनस थ्री बाई टू डी एक्स, एक्स का पावर माइनस वन, एक्स का पावर माइनस वन बाई टू, हमने कहा एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, वन बाई एक्स मीन्स लॉग एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हम लोगों ने सिंपल प्रॉब्लम देखा, अब फिजिक्स में इसको हम लोग यूज करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको, जैसे साइन फोर थीटा कैसे इसको इंटीग्रेट करें, तो साइन का माइनस है तो माइनस कॉस फोर थीटा लिख देंगे, डिवीजन में थीटा का कोफिशिएंट हो जाए, सिंपल। अगेन साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, थीटा का कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे, अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब वेरिएबल यहां पर एक्स है इसलिए एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा तो माइनस के प्लस सी। अब इसी में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी होता तो माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स टी के रेस्पेक्ट में इसलिए टी का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में हमने स्क्वायर टर्म के बारे में आपको सिखाया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां पर किसी फॉर्मूला में थी स्क्वायर फंक्शन नहीं है, तो स्क्वायर को हमको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको टू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सिखा दिया, तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वन माइनस कॉस टू थीटा बन गया, तो वन बाई टू। अब इसको आप अलग कर दें, दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाए, तो वन बाई टू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा कॉस का साइन, और क्या था थीटा का कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे, ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह से सपोज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई,
तो 1/2 ये 1 cos 2θ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हमने ब्रेक करके आपको सिखा दिया है, डायरेक्टली आप यूज कर ले 1 into θ d θ θ हो गया और cos का साइन 2θ, 2θ का कोफिशिएंट 2 divide + c। तो हम लोगों ने इनडेफिनिट का ये फॉर्म सीखा। अब डेफिनिट जिसमें लिमिट दिया रहता कैसे हम लोग यूज करें, जैसे x+1 dx लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो यहां पे आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो इनिशियली आप अलग अलग कर ऐसे कर दिया। अब x का x^2 है देखो, तो x²/2 हो गया 1/2, dx का x हो गया 1/2। अब ये वैल्यू x में पुट करें तो 2 को पहले बाहर कर दो और ऐसे लिखो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब x में अपर वैल्यू डाल तो 2 का square - 1 का square, फिर x में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो 4 - 1 1, तो 3/2 + 1। अब सिंप्लीफाई कर लें, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे। तो ये हमने अलजेब्रिक फंक्शन का सीखा। मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तब कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको। जैसे आपको साइन एक्स डी एक्स दे दे और लिमिट 0 to π/4 कर दे, तो साइन का क्या सीखा, -cos x 0 to π/4। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखेंगे, जब माइनस साइन को रिमूव करना हो तो लिमिट को आप इंटरचेंज कर दें, माइनस रिमूव हो गया। अब पहले 0 वैल्यू डालें, फिर ये वैल्यू डालें, cos 0 आप जानते हैं 1, cos π/4 1/2। एक और प्रॉब्लम देखें, sec²(dx − π/4 + π/4, तो sec² का tan x, तो tan x लिख देंगे −π/4 π/4, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो tan π/4 − tan लोअर वैल्यू −π/4, तो tan π/4 1/√2 −tan − π/4। हमने प्रीवियस क्लास में आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज दिया था, तो ये −θ इस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होते हैं, तो tan निगेटिव, तो अब इससे ये माइनस हो जाएगा, तो −−+ tan π/4 का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी देखा। फिजिक्स में हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सपोज 2t + 4 दे रहा है, then find momentum at t is equal to 1 second given that momentum p0 at t is equal to 0। अब यहां पर
मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डीपी टू टी प्लस फोर डी टी लिख देंगे। अब यहां पे थोड़ा रफ वर्क करते हैं, मोमेंटम जीरो है जब टाइम जीरो है, मोमेंटम फाइंड करना है जब टाइम वन है, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट लगा दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो लोअर वैल्यू जीरो अपर वैल्यू पी टू टी प्लस फोर। टाइम वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, तो आपने पहले पी का लोअर वैल्यू डाला तो टाइम का लोअर वैल्यू डाल देंगे, पी और पी आपने फाइनल लिखा है तो टाइम का फाइनल वैल्यू, डीपी का इंटीग्रेशन पी हो गया, टू टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन, डी टी का टी हो गया जीरो टू वन, तो फाइनल माइनस इनिशियल टू और टू कैंसिल, वन स्क्वायर माइनस जीरो फोर वन माइनस जीरो, देन मोमेंटम आ गया फोर प्लस वन फाइव, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंडीशन में इतना न्यूटन आ जाए, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो पी फाइंड करना, सॉरी तो पी फाइंड करना है तो पी मोमेंटम हो गया तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज भी सीखा, तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।